जय माता की। दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं एक ऐसी माता के बारे में जो करती है ऊंट की सवारी, और जानेंगे कौन है वे देवी और कैसा है माता का स्वरूप। तो दोस्तों, माता जी के इस अवतार के बारे में जानकारी जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको रोज कोई न कोई धर्म से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आदिशक्ति माता के अनेक स्वरूप है, जिनमें कई प्रकार की देवियाँ मातृका और योगिनियों यक्षिणियों को पूजा जाता है। ये सभी देवियाँ भक्तों को साधकों को शीघ्र सिद्धियाँ प्रदान करती है। सभी देवियों की कोई न कोई सवारी जरूर होती है। आज हम बात कर रहे हैं ऊंट पर सवारी करने वाली माता के बारे में। ऊंट जो कि रेगिस्तान का जहाज है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन का प्रमुख हिस्सा है। सदियों से ऊंट आवागमन का साधन होने के साथ साथ खेती, कुओं से पानी निकालने, सामान ढोने के काम आता रहा है। रियासत काल में युद्ध के दौरान भी इनका उपयोग होता था। बीकानेर रियासत में ऊंटों की सेना थी, जिसे गंगा रिसाला कहा जाता था। वर्तमान में भारतीय सेना में BSF ऊंटों के माध्यम से देश की सरहदों की रक्षा कर रही है। शक्ति की उपासना में ऊंट पर सवार देवी का पूजन अर्चन भी किया जाता है। ये गुजरात की लोक देवी है। इनकी पूजा अधिकतर गुजरात में होती है। इनको देवी शक्ति का अवतार माना जाता है। इनका नाम दशा माता है। साथ ही इन देवी को उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश में दशा रानी भी बोलते हैं। देवी के अन्य नाम जैसे मुंबई माता, दशा माता, उष्ट्रवाहिनी माता, उंटाला माता भी कहते हैं। देवी अपने हाथों में त्रिशूल, ढाल, तलवार और कमल पुष्प धारण करती है। साथ ही कुछ देवी साधकों के मत अनुसार दशा माता ही सारिका देवी है। इन देवी की पूजा करने से घर की बिगड़ी हुई दशा ठीक होती है। माना जाता है देवी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, और माता सभी के कष्ट दूर करती है। देश में कई स्थानों पर भी उष्ट्र पर सवार देवी की पूजा अर्चना की जाती है। दशा माता की पूजा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और सबसे ज्यादा अधिक गुजरात में प्रचलित है, जो गुजरात में विशेष रूप से कच्छ के रेगिस्तानी क्षेत्र में लोकप्रिय है। मोमाई रबारी जनजाति की सर्वोच्च देवी है। रबारी के सोराठिया समूह ने उन्हें मम्माई कहा। कच्छ में रापर के पास स्थित मोमाई मोरा गाँव वह स्थान है जहाँ माना जाता है कि देवी पहली बार प्रकट हुई थी। यह मंदिर एक तीर्थ स्थान है, और यहाँ हर साल नवरात्रि की पूर्व संध्या पर विशाल उत्सव मनाया जाता है। उन्हें जाडेजा, परमार, सोहा, जाधव, बरलिया और तत्कालीन कच्छ राज्य के अन्य शासकों और योद्धा कुलों की कुलदेवी में से एक के रूप में पूजा जाता है। जाडेजा, परमार, सोहा गोत्र के अलावा राजपुरोहित समाज के उदेश गोत्र में भी इन्हें कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। कच्छ के रबारी कबीले भी उनकी पूजा करते हैं। उनकी छवि रबारियों के लगभग हर घर में पाई जाती है। बरदाई ब्राह्मण भी उन्हें कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। कच्छ के मिस्त्रियों के कई उपकुल भी उन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। इन देवी की पूजा का विशेष महत्व चैत्र कृष्ण दशमी, सात आषाढ़ मास और श्रावण मास के त्रयोदशी को माना जाता है। सावन शुक्ल त्रयोदशी को प्रकटोत्सव मनाया जाता है। होली पर विशेष पूजन अर्चन का आयोजन होता है। इसके साथ देवी को नवरात्रि आदि देवी पर्वों तथा भक्तों की मनोकामना पूरी होने पर देवी की पूजा अर्चना भक्तों द्वारा होती है। बीकानेर में बाबा रामदेव पार्क के पास ऊंट पर सवार देवी उष्ट्रवाहिनी का मंदिर भी है। उष्ट्रवाहिनी पुष्करणा समाज की कुलदेवी है। आशा करता हूँ आपको ऊंट की सवारी वाली दशा माता से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहे, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय माँ काली, हर हर महादेव।